नमस्कार दोस्तों, हर जगह मेहमानों को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है, उनका आदर सत्कार किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें कभी भी मेहमान से नहीं पूछना चाहिए। विष्णु पुराण में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका पालन करके आप सफल व्यक्ति बनने के साथ पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। पहली बात, शिक्षा को लेकर सवाल। कई लोगों की आदत होती है कि मेहमान के जीवन के बारे में हर एक बात जानना चाहता है। अगर कोई मेहमान घर आए तो उसे कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि उसने कहां से और कितनी पढ़ाई की है। अगर वो कम पढ़ा लिखा होगा तो हो सकता है आपसे इस प्रश्न का उत्तर बताने में वो असहज हो जाए। दूसरी बात है आमदनी। आज के समय में आमदनी सबसे बड़ी जरूरत बनती जा रही है। ऐसे में कोई कम तो कोई ज्यादा कमाता है। ऐसे में अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो उसे कभी भी उसकी आमदनी को लेकर सवाल नहीं करना चाहिए। हो सकता है इससे उसको शर्मिंदगी महसूस हो। तीसरी बात है जाति धर्म। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो उसे कभी भी जात धर्म या फिर गोत्र के बारे में नहीं पूछना चाहिए। हो सकता है इससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए। इससे बनते हुए रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। विष्णु पुराण में सृष्टि की रचना करने वाले भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि कलयुग में पाप इतना अधिक बढ़ जाएगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसे में मनुष्य को समय समय पर पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी जाएगी, मगर मनुष्य इसे अनदेखा कर देंगे। इस पुराण में आयु के बारे में बताया गया है कि समय के साथ मनुष्यों की आयु सीमा घटती जाएगी, यहाँ तक कि मनुष्य की आयु का अंत 20 वर्ष में ही होने लगेगा। इसके अलावा कलयुग में लोगों के सिर के बाल कम उम्र में ही सफेद होने लगेंगे। वहीं धर्म गुरुओं के बारे में इस पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोभी व्यक्ति विद्वान कहलाए जाने लगेगा, वहीं शास्त्रों और वेदों का कोई पालन भी नहीं करेगा। विवाह के बारे में इस पुराण में वर्णन किया गया है कि कलयुग में लोगों में एक दूसरे के लिए समर्पण समाप्त हो जाएगा और विवाह मात्र समझौता बनकर रह जाएगा। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा, और जिसके पास धन नहीं होगा वो अधर्मी अपवित्र माना जाएगा। व्यक्ति के कुल की पहचान धन के आधार पर ही की जाने लगेगी। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।